ट्रेलर मुझे बहुत अच्छा लगा एक्चुअली। इन डायरेक्टर के साथ मैंने पहले काम किया संदीप के साथ, सो एक तो बनारस है, आई थिंक बनारस का तो बड़ा ट्रेंड चल रहा है, चाहे वो दिवाली हो या यू नो देव दीपावली हो जो दो दिन पहले थी, एंड आई थिंक बनारस इन अ वे रियली यू नो 5000 साल पुरानी सिटी है, सो शायद ओल्डेस्ट सिटी है इंडिया की, तो वो जो कल्चर है यू नो वहाँ के जो हीरो है वो इसमें टूर गाइड बनाए, सो आई थिंक वो बहुत इंटरेस्टिंग है। और जो लड़की आई है वो बाहर से आई है, तो नमस्ते लंदन वाली मुझे याद आ रही थी कि लड़का जो है वो पिंड पंजाब का और लड़की जो है वो यू नो ब्रिटेन रिटर्न है, तो थोड़ा वो सिमिलैरिटी है, तो वो इंटरेस्टिंग है। ऑफकोर्स यू नो बाकी एक्टर्स बहुत अच्छे हैं, जैसे कि यू नो बिजेंद्र काला जी हैं, तो उनकी कॉमेडी देखना मैं चाहूँगा 100%। इसमें भी बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, और बाकी जो दूसरी हीरोइन है रत्ना, उनका भी बहुत ही यू नो सबड्यूड, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस लगी मुझे एज एन एक्टर। वो ऑल्सो डायरेक्टर भी हैं इस फिल्म की, तो शायद वो स्टोरी को ज़्यादा अच्छे से समझ पाई। अदरवाइज़ म्यूज़िक बहुत इंटरेस्टिंग है। फिल्म की अगर हम बात करें, शादी को लेकर काफ़ी बताया गया कि शादी कितनी इम्पोर्टेंट होती है, लव किस तरह से टूट जाता है और किस तरह से, क्या कहना चाहोगे कि आज के जनरेशन में शादी जल्द से जल्द टूट जाती है, डिवोर्स हो जाता है? जी देखिए, आई थिंक यू नो मैं टीवी शोज़ भी करता हूँ, तो उसमें भी बात यू नो मेनली शादी की या यू नो हस्बैंड वाइफ के रिश्ते की होती है। ये फिल्म भी जो है कैसी है डोर, यू नो डोर, वो शादी वाली डोर की बात हो रही है यहाँ पे, तो आई थिंक पेशेंस लेवल शायद यू नो कम हो गया इन एवरी सेंस। मतलब अगर आप पहले अगर कोई 20 मिनट किसी का वेट करता तो अब नहीं करता है यू नो, तो हम सब की पेशेंस फ़ोन की वजह से या यू नो बहुत कम हो गई है, कि या तो ज़्यादा चॉइसेस हैं, सो आई थिंक दैट इज़ व्हाट्स इम्पॉर्टेंट हियर, कि जो स्टोरी है वो उसमें दो फेजेज़ हैं, एक लड़का है जो एक यू नो ट्रैवलर आती है, वो मिलता है 10 दिन और चली जाती है उसके ख्यालों में, और उसकी शादी हो जाती है, और जब शादी हो जाती है तो फिर यू नो जो लड़की जिससे शादी हुई है उसमें वो इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, तो यू नो वो भी परेशान है और ये भी अलग परेशान है। सो आई थिंक रियली हमारी जनरेशन को तो एक ही चीज़ें जो संभालने की ज़रूरत है, डेवलपमेंट तो हो ही रही है यू नो, आज जो जहाँ हम हैं वो उतना डेवलप्ड हम कभी नहीं थे, सो डेवलपमेंट तो हो रही है, बट आई थिंक रिश्तों को संभालने की ज़रूरत है। आपने भी अपना लुक काफ़ी चेंज किया है, कुछ अगर आप बताना चाहिए प्रोफेशनल पर क्या कर रहे हैं आप? देखिए अभी जो मैं शो कर रहा हूँ क्योंकि तुम ही हो, तो उसमें मैं यू नो मैं कॉलेज कैरेक्टर कभी नहीं किया था, सैंडी की फिल्म में संदीप की फिल्म में ही किया था लास्ट हमने, बट वो थोड़े टाइम के लिए, शायद 15 मिनट के लिए हम थे, क्योंकि वो दोस्तों की कहानी थी और यू नो 30 साल की दोस्ती दिखानी थी। सो अब आई एम बैक टू यू नो एक डूइंग अ कैरेक्टर जहाँ मैं कॉलेज में हूँ। काफ़ी यंग भी लग रहे हैं आप। या पूरी तरह से ड्रेस तो वही आपने किया है, राइट, बालों को यंग लग रहे हैं आप कॉलेज गोइंग। हाँ तो वो वही कोशिश है, क्योंकि कैरेक्टर ऐसा कर रहा हूँ अभी इसलिए, सो आउट ऑफ नॉट पर्सनल चॉइस, बट जो कैरेक्टर की डिमांड है कि एक यू नो कॉलेज गाय लगे। लेकिन फैंस बहुत पसंद कर रहे हैं आपके हमेशा के द्वारा, क्या कहना चाहोगे फैंस इतना प्यार दे रहे हैं आपको? देखिए मतलब इन अ वे इट्स रियली अ ब्लेसिंग, बिकॉज देखिए फैंस को आपसे शायद एक रिप्लाई कमेंट के अलावा कुछ मिलता नहीं है, और कुछ ना मिल के भी वो इतनी मेहनत करते हैं यू नो, आपके लिए एडिट्स बनाते हैं, आपके शो के कुछ कुछ सीन निकालते हैं, उनको गानों पर डालते हैं, कभी कभी वो एक काला चश्मा के बनाएंगे तो 6-7 साल आपकी यू नो हज़ारों पोस्ट में से निकाल के 5-6 फोटो निकालते हैं, जैसे आपने अपने काला चश्मा ही पहना है और उसका कोलाज बनाते हैं, सो इट रियली यू नो देखिए सारी दुनिया में ज़्यादातर चीज़ें यू नो ट्रांजैक्शनल हैं, कि मुझे आपसे कुछ काम है, आपको मुझसे कुछ काम है, मैं आपको बिजनेस दे रहा हूँ या आप मेरे रिश्तेदार हो, ये बड़ा प्योर वो है, मतलब इसमें कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है, इसमें किसी को उनको कुछ नहीं मिलना आपसे, बट आउट ऑफ जस्ट लव दे डू इट, सो आई थिंक इट्स द मोस्ट स्पेशल फीलिंग। शो में क्या आप कमिंग ट्विस्ट आने वाला कुछ दर्शकों को बता दीजिए, थोड़ा हिंट दे दीजिए? देखिए शो में ट्विस्ट तो ये आने वाला कि अब जो है कहानी वहाँ पे आ गई है जहाँ पे या तो यू नो हीरोइन को मेरे पास वापस आना पड़ेगा, या मैं बोलूँगा कि बस अब रहने दो, अब मैं जो है और स्ट्रगल नहीं करूँगा तुम्हारे लिए, मतलब आई बी निगलेक्टिंग माई करियर एंड नाउ आई एम लाइक कि अगर तुम नहीं कर सकती हो, अब चॉइस नहीं कर सकती हो तुम कि अपने यू नो वो विधवा है तो इन लॉज को चुन लो या मुझे चुन लो, एक नई ज़िंदगी चुन लो या मुझे जाने दो, सो दैट्स द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ओके आखिरी सवाल सर।